ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। आज अभी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कि मतलब अच्छा अच्छा इसमें भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन मेन चीज तो हम लोग देख ही चुके हैं। इसमें से हमको नहीं लगता कुछ बचा, सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, ईयर भी चेंज कर दिए, मंथ भी चेंज कर दिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, हम इसके डिटेल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2024 विल बी द सेम फॉर द ईयर। ठीक है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2024 विल बी द सेम, विल बी द सेम फॉर द ईयर। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि 2024 का कैलेंडर जो है कौन से ईयर के सेम होगा। ठीक है, सेम कहने का मतलब क्या होगा कि मतलब इस साल यदि अगर हम लोगों का 2024 को जो मतलब जैसे कि ये 2024 क्या हुआ, ये एक लीप ईयर हुआ, ये एक लीप ईयर हुआ, ये एक लीप ईयर हुआ। ठीक है, तो हम लोग लीप ईयर को जब कभी भी हम लोगों को चेक करना होता है कि लीप ईयर जो है सो कि कब रिपीट करेगा। ठीक है, लीप ईयर अपने आप को कब रिपीट करेगा, तो हम लोग लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं कि लीप ईयर में 28 ऐड कर देते हैं, तो जो मेरा आंसर आएगा तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या है 2024 में जब अगर हम लोग 2028 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 × 48 = 52, मतलब 2052 का जो कैलेंडर होगा सेम एज 2024 के अकॉर्डिंग होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि यदि अगर 2024 को आप देख सकते हैं इसको अपने मोबाइल के कैलेंडर में, 2024 को यदि 1 जनवरी को मंडे था तो 2052 में भी 1 जनवरी को मंडे ही होगा, 1 जनवरी को मंडे ही होगा, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये तो हुआ लीप ईयर का कांसेप्ट कि लीप ईयर का रिपीटेशन पूछा गया, तो उसमें क्या हम ऐड कर देंगे 28 ऐड कर देंगे। अब यदि अगर नॉन लीप ईयर हुआ, जनरली तो नॉन लीप ईयर ही ज्यादातर आता है, लीप ईयर तो 4 साल में अपने आप को एक बार रिपीट करता है। ठीक है, तो यदि अगर नॉन लीप ईयर हुआ तो उसमें आपको क्या ऐड करना है, लॉन्ग लीप ईयर प्लस 11 जो भी आएगा। यदि अगर ये करने के बाद यदि अगर ये नॉन लीप ईयर आ जाता है, यदि अगर ये नॉन लीप ईयर आ जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये साल जो होगा ये जो है सो कि आपका आंसर हो जाएगा। यदि अगर ये लीप ईयर आ जाता है, यदि अगर ये लीप ईयर आ जाता है तो लीप ईयर तो मेरा आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो रिपीट किसमें करेगा, नॉन लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, लीप ईयर में तो रिपीट कर नहीं सकता है। यदि अगर 11 जोड़ने के बाद ये लीप ईयर आ जाता है तब इसमें आपको क्या करना है, नॉन लीप ईयर में 6 ऐड कर देना है। ठीक है, तब आपको क्या करना है कि ये जो नॉन लीप ईयर है इसमें 11 ना ऐड करके इसमें जो है सो कि 6 ऐड कर देना, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसका भी एक हम लोग एग्जांपल देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। द कैलेंडर, अब इसमें क्वेश्चन है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2019 विल बी सेम फॉर, कौन से ईयर के लिए अब ये सेम होगा। जैसे हम लोग 2019 को साफ-साफ यहां पे देख पा रहे हैं कि ये नॉन लीप ईयर है, ये क्या है, नॉन लीप ईयर है। ठीक है, नॉन लीप ईयर कहने का मतलब क्या हुआ, इसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं 4 से ये पूरी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा। तो हम लोग ऐड करते हैं 2019 प्लस 11, पहला स्टेप क्या था, 11 ऐड करना था, पहला स्टेप क्या था, 11 ऐड करना था, 19 से 20 10 30, 2030 हो गया, ये क्या हो गया, 2030 हो गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं लीप ईयर है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, 4 × 5 = 20, ठीक है, 4 × 7 = 28, कोई दिक्कत नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, तो 2030 जो है सो कि आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका ये जो अभी 1 जनवरी 2019 आया था, ये मतलब शायद पता नहीं कौन सा दिन था, इस बार शायद संडे था, शायद संडे था, मेरे को कंफर्म नहीं है, तो आपका 2030 में जो है सो कि 1 जनवरी को जो है सो कि संडे ही होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, ये नाम को लेकर क्या, इस तरह का जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को लेकर के, यहां पे हमारा कैलेंडर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जितने भी तरह के आपको क्वेश्चन है कहीं से भी आप उठा करके बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता बनता है, तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम इसको बताएंगे, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। जैसे है, इफ राज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 10 अप्रैल 1857, इन विच ईयर ही सेलिब्रेट हिज नेक्स्ट बर्थडे ऑन सेम डे। मतलब कि जैसे उसने अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट किया है, 10 अप्रैल 1857, 10 अप्रैल 1857, तो कौन से ईयर में जो है सो कि ये अपना बर्थडे फिर से सेलिब्रेट करे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अगर 10 अप्रैल को मान लेते हैं कि मंडे था, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमको वो अगला इसका डेट ऑफ बर्थ बताइए जब ये फिर से मंडे को ही अपना डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेट करेगा।
निश्चित है 10 अप्रैल को इसका डेट ऑफ बर्थ है, तो 10 अप्रैल को ही ये सेलिब्रेट करेगा, 10 अप्रैल को ही ये सेलिब्रेट करेगा। अब कॉन्सेप्ट है कि 1857 के बाद क्या होगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला। जैसे कि लीप ईयर होता तो इसमें हम लोग 28 ऐड कर देते थे, लीप ईयर में क्या ऐड करते थे, 28 ऐड कर देते थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सीधा सी बात सर, 407 तो डिवाइड होगा ही नहीं, एक काम करते 1857 में पहले 11 ऐड करते, क्यों, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर प्लस 11, तो 57 58 10 68, 1868, ठीक है, 1868। तो इसको इधर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4×16 2, तो 4×6 24, 4×7 28, पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब ये क्या आ गया हम लोगों का, लीप ईयर आ गया, ये क्या आ गया हम लोगों का, लीप ईयर आ गया। तो अब ये मेरा 11 जो जोड़े हैं, ये 1868 जो है, ये गलत आंसर है। अब हमको क्या करना होगा कि 1800 बार में आपका आंसर आ ही जाएगा, तीसरा वाला कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नॉन लीप ईयर में क्या ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए ना, आप यहाँ पे 11 ऐड किए, इसका मतलब क्या ऐड किए, ऑड नंबर ऐड किए, ऑड ऐड किए तभी तो ये 68 आया। अब यदि अगर आप इसमें इवन ऐड कर दीजिएगा तो जो भी नंबर आएगा वो मतलब कंफर्म है कि वो 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं होगा। इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर 11 से नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो 6 ऐड किया, अब 6 से नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो आगे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड कैसे है, 11 ऑड है तो ये इवन है, यदि ये 4 से डिविजिबल हो तो ये तो 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं होगा, ये गारंटी हम दे सकते हैं इस बात की। तो 57 6 1863, आप इसको चेक कर सकते हैं, 4 से यहाँ 3 है तो ये डिविजिबल होगा ही नहीं। ये बंदा अपना अगला बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा, 10 अप्रैल 1863, 10 अप्रैल 1863, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और इसमें कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग इसमें देख सकते हैं, इफ 24 मार्च 2018 इज सैटरडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी 24 मार्च 2035, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है इसमें हम लोगों का, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जो मेनली हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है कैलेंडर के ऊपर, और हमको नहीं लगता कैलेंडर में इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट होगा, मतलब सब चीज हम लोग कर ही लिए हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ 24 मार्च 2018 को क्या है, सैटरडे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का, हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, विच डे ऑफ द वीक विल बी 24 मार्च 2035, ये हमको बताना है कि 24 मार्च 2035 को क्या होगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये गैप काफी ज्यादा है, ये गैप काफी ज्यादा मतलब 18 से 19 20 21 22 23 बहुत, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग अपना पुराना वाला कांसेप्ट से कर देंगे, कैसे करेंगे, 35 माइनस 18, 35 माइनस 18 करेंगे तो क्या होगा, 15 में से 8 किया 7, 2 में से 1 किया तो 1, ठीक है, 18 17 35, तो यहां पे कितना साल आ रहा है, 17। अब इस 17 को हमको पता नहीं है कि इसमें लीप कितना है, नॉन लीप कितना है, इसको दो भाग में बांट देंगे, लीप नॉन लीप, इसको 4 से भाग देंगे तो 4×16 4 साल इसमें लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर कितना होगा, 13। हम लोग जानते हैं लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है, 2 होता है, क्यों होता है, क्योंकि लीप ईयर में दिन कितना होता है, 366, एक्स्ट्रा कौन होता है, 29 फरवरी होता है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, लीप ईयर जो नॉन लीप ईयर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, 8+13 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 8+13 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अगर सैटरडे को हम लोग कितना मानते हैं, 6+0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 ही हो जाएगा, मतलब इस दिन यदि अगर सैटरडे था तो इस दिन भी हम लोगों का सैटरडे ही होगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इसमें तो किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 24 मार्च 2018 को इधर सैटरडे है तो आपको बताना है कि 24 मार्च 2035 को क्या होगा। तो क्या किए, 35 में से 18 माइनस कर लिए, 17 आ गया, 17 को लीप नॉन लीप में बांट लिए, लीप में हम लोग जानते हैं कि ऑड डे 2 होता है, नॉन लीप में ऑड डे 1 होता है, तो 4×8 हो गया, 13 हो गया, 13 को ऐड कर दिया, 21 आ गया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसको 6 में ऐड कर दिया तो सैटरडे का सैटरडे ही आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन अगला हम लोग इधर देख लेते हैं, इसको रहेगा तो आप थोड़ा सा कोई डाउट वगैरह भी होगा तो उधर से देख सकते हैं, और क्वेश्चन जब भी हम यहाँ लिखते हैं मुझसे पहले ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हमको है ही, लेकिन इतना क्वेश्चन करने के बाद हमको नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन होगा जो नहीं होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है हम लोगों का, 12 फरवरी 2016 इस दिन है हम लोगों का फ्राइडे है, हमको बताना क्या है, 12 फरवरी 2032 को बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये गैप काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है, गैप काफी ज्यादा हो गया, मतलब नहीं होगा हम लोग से 16 17 18 19 20 21 22, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम लोगों से। तो कैसे करेंगे, 32 माइनस 16 ये कितना आ गया, 16
16 को दो भागों में बांटेंगे लीप नॉन ईयर, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 16 में से 4 गए तो 12, मतलब 4 साल लीप ईयर होगा, 12 साल नॉन लीप ईयर होगा। नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, तो लीप ईयर में ऑर्डिनरी कितना होता है 2 होता है, तो 4 2 8 हो गया। नॉन लीप ईयर में ऑर्डिनरी कितना 1 होता है, तो ये 12 हो गया। तो 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है 20 हो गया। 20 का रिमाइंडर मतलब जो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। तो यदि अगर हम लोग फ्राइडे को कितना लेते हैं 5, ठीक है, तो 5 में जो 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, 4 मतलब कि 12 फरवरी 2032 को कौन सा दिन होगा, तो इस दिन हम लोगों का जो दिन होगा, ये जो हम लोगों का दिन होगा किस दिन हो जाएगा 4 मतलब क्या होता है थर्सडे, 4 मतलब क्या होता है थर्सडे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, क्यों, क्योंकि 12 फरवरी 2016 को फ्राइडे तक हमको बताना था 12 फरवरी 2032 को क्या होगा, तो यहां से इंपॉसिबल है कि आप 16 से गिनती करते करते जो है 16 साल आगे बढ़िए, एक एक साल करके देखिए कितना ऑड ईयर आ रहा है। इससे बढ़िया क्या किया 16 को हम लोग दो भाग में बांट दें, कि वो वाला जो कॉन्सेप्ट था काउंटिंग करने वाला वो मतलब कि लेस ईयर्स के लिए ही वैलिड है, मतलब कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप चाहिए कि बहुत कम गैप है वहां लगा देंगे, ये कॉन्सेप्ट वहां नहीं लगेगा, ठीक है, ये लॉन्ग ईयर्स के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और लगभग काफी सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किया, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किया रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हम लोग क्या देखे, यदि अगर नॉन लीप ईयर है, ठीक है, नॉन लीप ईयर है तो पहले 11 ऐड कीजिए, 11 ऐड करने के बाद नॉन लीप ईयर आ गया तब तो उसी साल में जो कि वो कैलेंडर रिपीट करेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, और यदि अगर वो लीप ईयर आ गया तब उसमें क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन नॉन लीप ईयर से ही आएगा, और यदि लीप ईयर आया तो आप उसमें 28 ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं, हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे कि कम गैप होगा तो कैसे करेंगे, ज्यादा गैप वाले को हम लोग जो अपना पहले हम लोग का मेंस कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू किए। तो आज हम लोग का यहाँ पे ये कैलेंडर पूरा खत्म होता है, लगभग हम लोग का 3-4 क्लास हम लोग लिए हैं, सारा का आप देखिए, सारा का क्वेश्चन किए जहां से भी जो कोई भी क्वेश्चन मिलता है, और हम लोग भी एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उसमें भी हम लोग क्वेश्चंस देंगे, उसको भी आप कीजिएगा डिस्कस करेंगे हम लोग, और इसमें से भी कहीं किसी तरह कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।